कुर्सी। स्वतंत्र गीत है और विषयवत्ति की एक विशेषता मैं बता रहा हूं कि इसमें तर्जों का जवाब नहीं होता। आप किसी भी तर्ज में गाइए लेकिन विषय से हट के ना जाइए, विषय को क्रम से आगे बढ़ाइए, वही विषयवत्त है, उसको क्रम से आगे बढ़ाना है। आइए आदरणीय हमारे सम्मानीय श्री मनु चौबे जी देवेंद्र नगर, आपकी ओर से 501 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। मैं नमन करता हूं सम्मानीय चौबे जी को। कहते हैं कि रंग में न रंगा जो विराग के तो रंग में न रंगा जो विराग के तो फल अंग भभूति रमाने से क्या, और किसी दीन के काम न आया कभी धन है वो प्रथा उसे पाने से क्या। अबुदेश न जो जनता को जचा, अबुदेश न जो जनता को जचा तो फजूल बड़ा कहलाने से क्या। कुछ नाम नया के किया जग में, कुछ नाम नया के किया जग में तो हुआ लाभ कहो यहां आने से क्या। आइए एक गीत बजा। कौन सा? अरे दीवारों पे लिखा है, तेरा नाम क्या बात, क्या बात, इस शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है तेरा नाम, 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 एक बार का प्रसंग बता रहा हूं। गुरु महाराज से आशीर्वाद की कामना करता हूं। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, बालाजी का सरकार है, बागेश्वर धाम है, कितना बढ़िया माहौल है, सब कुछ अच्छा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया लेकिन मुझे आज तक आपने कुछ नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, एक बार माला दी थी तुमको तो तोड़ के फेंक दी थी, अब मैं क्यों दूं आपको। लेकिन अब देखिए, माँ माँ होती है। जब हनुमान जी ने ये प्रश्न किया कि मुझे आपने कुछ नहीं दिया तो सीता जी समर्थन करने में लग गई। अब कैसा समर्थन हो रहा है देखिए, आप ध्यान से सुनिए इस गीत को। नहीं मिला मुझको कुछ स्वामी, हनुमान जी कहते हैं,
नहीं मिला मुझको कुछ स्वामी सुनिए दीनानाथ, मांग रहा हूँ आज आपसे दीजे कुछ रघुनाथ। ओ सीता जी ने, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा दें, थोड़ा सा मेन माइक का। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है। सीता जी सीता जी ने किया समर्थन कि सच कहते हनुमान, बोले राघव तब सीता से कि सुन लीजे धर ध्यान। भगवान ने कहा कि सीते आप भी हनुमान का समर्थन करती हैं, अरे आप भी दरबार में थी जब मैंने अपने सभी मित्रों को राजाओं को सभी को दिया, लेकिन हनुमान को वो चीज दी थी, मैंने स्वयं अपने गले से मणियों की माला उतार करके दी, लेकिन हनुमान ने दांतों से तोड़ तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी आप कहती हैं कि हनुमान को कुछ नहीं मिला। तो सुनो, उसके अलावा मैंने क्या दिया है हनुमान को, सुनो सीते सुनो। बोले कि गतिमान को मिला है, क्या बात है, गतिमान को मिला है, मतिमान को मिला है, तो वही हमारे इस प्यारे हनुमान को मिला है। जो गतिमान को मिला, मतिमान को मिला, वही तो हनुमान को मिला। क्या मिला? कहने लगे प्रभु श्री राम के गतिमान को मिला है, मतिमान को मिला है, तो वही हमारे इस प्यारे हनुमान को मिला है। मेरा नाम, अब इससे बड़ा और क्या चाहिए तुम्हारे हनुमान को, और क्या चाहिए सीते? कहने लगे प्रभु श्री राम, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम। और एक बात पूछ लो हनुमान से, सीते एक बार पूछ लो कि ये चाहता भी तो यही है, हनुमान क्या चाहता है? और जब ये नहीं मिला था तब इसने माला तोड़ के फेंक दी थी कि इसमें राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए माला तोड़ के फेंक दी थी। तो सुनो सीते, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम, इनका मन, केवल राम ही नाम तो चाहता है इनका मन, तो सुनो, चाहता है जिसे इनका मन, मिल रहा मन को आराम है, लिख लिया हो के मन में मगन, तो तन के हर रोम में इतना भर नहीं सीते, इनके सीने में बैठे हैं हम तुम प्रिय। अब क्या चाहिए हनुमान को, क्या चाहिए?
इनके सीने में बैठे हैं हम तुम प्रिय और जुबां पे मेरा नाम है और जुबां पे मेरा नाम है। तो सुनो, जो गजानन को मिला है, जो गजानन को मिला है, चतुरानन को मिला है, जो आदि देव शंकर, जो आदि देव शिव शंकर, पंचानन को मिला है, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम, मेरा नाम। और सुनिए, मेरे नाम का सदुपयोग कितना किया इसी हनुमान ने, मेरे नाम का सत मैं जो खुद नहीं कर सका, जो मेरा नाम कर सका वो इन्होंने इसका सदुपयोग किया। कब किया ये सुनिए। सीते बोले प्रभु श्री राम, पुल बनाते थे जब नील नल, देखते ना सुबो शाम है, जाते निकल तो सोचे मन में कठिन काम है। शिलाखंड तैराए जा रहे थे समुद्र में, लेकिन वो आपस में जुड़ते नहीं थे। जब जुड़ते नहीं थे तो इन्हीं हनुमान ने एक उपाय मेरे नाम का उपयोग किया। क्या किया? तब लिखाया वहां पर इन्होंने प्रिय, क्या लिखाया? तब लिखाया इन्होंने वहां पर प्रिय, पत्थरों पर मेरा नाम है। जब शिलाखंड आपस में नहीं मिलते थे, बिखर जाते थे, पुल नहीं बन पा रहा था, तब इन्हीं हनुमान ने मेरे नाम का उपयोग किया। स्वयं राम का उपयोग नहीं किया, मेरे नाम का उपयोग किया। और किया क्या? तब लिखाया वहां पर इन्होंने प्रिय, पत्थरों पर मेरा नाम है। तो कहना पड़ा, प्रभु राम कहते हैं, जो दिवाकर को मिला है, जो दिवाकर को मिला है, रत्नाकर को मिला है, इस नभ में चमकने वाले उस सुधाकर को मिला है, इस नभ में चमकने वाले उस सुधाकर को मिला है, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम। आखिरी पंक्तियां देखिए, बहुत ही सार्थक पंक्तियां, क्योंकि किसी भी गीत में रचनाकार पूरी जान, पूरा सब कुछ अपना निचोड़ आखिरी पंक्तियों में डालता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है सीते, अब जब तुम ही कह रही हो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, जब तुम ही कह रही हो कि कुछ नहीं दिया आपने, तो आज मैं कुछ ना कुछ दूंगा, इसके बावजूद भी मैं कुछ दूंगा हनुमान को। क्या दिया प्रभु श्री राम ने, सुनिएगा आप लोग। दे दिया जलज वरदान है, क्या बात, ये
क्या वरदान दिया प्रभु श्री राम ने, सुने। दे दिया जलज वरदान है, इस धरा का कोई धाम हो, चाहे वो मिथिला धाम हो और चाहे बागेश्वर धाम हो। स्पष्ट कर दिया प्रभु श्री राम ने, दे दिया जलज वरदान है, इस धरा का कोई धाम हो, अरे हो जहां मेरा गुण गान है, हो नगर या कोई ग्राम हो, चाहे वो नगर हो चाहे कस्बा हो चाहे ग्राम हो चाहे धाम हो, क्या होना चाहिए वहां, क्या होगा, मैं वरदान दे रहा हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, होंगे हाजिर वहां पर सदा ये प्रिय, जहां जहां भी मेरा धाम होगा, जहां भी मेरा नाम हरि कीर्तन का होगा, वहां ये जरूर पहुंचेंगे, आज वरदान दे रहा हूं। आज प्रत्यक्ष इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, यहां निश्चित जीवंत अवस्था, हालांकि वो अजर अमर हैं प्रभु हनुमान जी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो बैठे हैं, यहां बैठे हैं, ये गारंटी लेता हूं, क्योंकि भगवान का वरदान निरर्थक नहीं होता, सार्थक होता। प्रभु श्री राम कहने लगे, होंगे हाजिर वहां पर सदा ये प्रिय, जब कथा में मेरा नाम हो, क्या बात, अरे कीर्तन में मेरा नाम हो। भगवान ने कह दिया कि जहां पर हरि चर्चा होगी, हरि कीर्तन होगा, वहां अवश्य पधारेंगे, ये मैं वरदान दे रहा हूं। तो सुनिए, कहा प्रभु राम ने कि जो जल चर को मिला है, जो थल चर को मिला है, इस नभ में चरने वाले उस नभ चर को मिला है, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम सजनी, मेरा नाम कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष पंडित श्री देवेंद्र तिवारी के द्वारा ये कुछ पुरस्कार है, वो उनको स्वयं देना चाहते हैं। मैं आदरणीय जलज जी को, श्री देवी सिंह जलज जो एडवोकेट हैं पेशे से, उनको स्वयं पुरस्कार देना चाहते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां रचनाकार के लिए और बहुत सारे पुरुष